डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ टू डायमेंशनल एरे की एड्रेसिंग। अगर आपको फाइंड आउट करनी हो, जैसे 1D एरे में हमने एड्रेस फाइंड आउट करना है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एरे के अंदर, तो वो सिंपल सा मेथड है, वो ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो लिंक सेक्शन में आपको लिंक आ रहा होगा उसका, आप वो चेक कर सकते हो। लेकिन टू डायमेंशनल एरे में अगर आपको 2D एरे दिया हुआ है और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की लोकेशन पूछ ले तो वो आप कैसे फाइंड आउट करते हो। वैसे तो ये भी बड़ा सिंपल सा फंडा, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बड़े अच्छे से एग्जांपल से इसको समझाता हूं। तो देखो, जब भी हम लोग जो है टू डायमेंशनल एरे की बात करते हैं, तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि 2D एरे दिया हुआ है जिसमें हमारे पास कह सकते हो कि 3x4 का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मेरे पास लेट्स सपोज m x n की आप मैट्रिक्स ले लो, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो कितने है आपके पास, 4। ठीक है, तो ये देख लो, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने है, 4। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग जो है वो नंबरिंग किस तरीके से देते हैं, हमेशा मेरा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, यहाँ पे कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। तो जब भी हम एरे को स्टोर करते हैं, तो हमेशा जो है वो रो मेजर ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। वैसे तो रो मेजर के साथ साथ एक कॉलम मेजर भी होता है, बट बाय डिफॉल्ट रो मेजर ही यूज करते हैं। रो मेजर का फंडा क्या है, सिंपल सा फंडा है, जैसे मेरी कॉन्टिग्यूस मेमोरी है, तो सबसे पहले पहली रो को उठाओ और स्टोर कर दो, पहली रो में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर कर दो, मतलब पहली रो को उठाओ और यहां पे डाल दो, फिर दूसरी रो को उठाओ इसके बाद में डाल दो, फिर तीसरी रो को उठाओ उसके बाद में डाल दो, बस ये है आपका रो मेजर ऑर्डर कॉन्टिन्यूसली आपका। तो दूसरी रो को उठाओ और इसमें आपका 10 11 12 13 इस तरीके से डल गया, फिर 20 21 23, ठीक है, इस तरीके से आपके एलिमेंट जो है वो डल जाएंगे। तो ये आपका सिंपल सा फंड है। अब देखो यहां पे अगर लेट्स सपोज मेरा एड्रेस जो है वो मेमोरी में 100 से स्टार्ट है और अगर हर एक एलिमेंट आपका एक बाइट ले रहा है, तो यानी ये 100 पे हो गया, ये 101 पे, 102 पे, 103 पे, 104 पे, 105 पे, 106 पे, 107, 108, 109, 110, मतलब थोड़ा सा इसको विजुलाइज करके देखो कि किस तरीके से जो है वो आपका डेटा स्टोर हो रहा है। तो मेरे पास 2D एरे था, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो मेरे 4 हैं, तो यानी टोटल एलिमेंट 3x4 कितने हो गए, 12। तो ये 12 एलिमेंट्स को अगर मैं रो मेजर में स्टोर करता हूं तो इस तरीके से स्टोर होंगे। अगर मैं कॉलम मेजर में करता हूं तो पहले कॉलम को उठाओ लेटाओ, दूसरे कॉलम को उठाओ लिटा दो, उसके बाद तीसरे को उठाओ लिटा दो, ठीक है। तो थोड़ा सा विजुलाइज करके देखो, तो पहले यहां पर रो मेजर में बात करते हैं। तो यहां पे अगर आपको बोल दें कि आपको लेट्स सपोज एलिमेंट नंबर 21, यहां पे आपको एलिमेंट नंबर 21 जो है उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, उसका एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो यहां पे मेरे को क्या दिया है, यहां पे एक तरह से आप कह सकते हो एरे और उसमें आपको 21 जो है वो पर्टिकुलर एड्रेस जो है वो उसका फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करोगे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर आपने 21 पे पहुंचना है, 21 पे आप कैसे पहुंचोगे, 21 पे पहुंचने के लिए आपको पहले तो 1 2 नंबर ऑफ रोज को क्रॉस करना है, ठीक है, फिर आप उस पर्टिकुलर रो में पहुंच जाओगे जहां पे वो एलिमेंट पड़ा है, उसके बाद आपको एक कॉलम को क्रॉस करना है, फिर आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे पहुंच जाओगे जिसका आपको एड्रेस निकालना है। तो देखो आपको यहीं से मिलेगा, जो भी मिलेगा यहीं से मिलेगा, आपको गिवन है कि आपको 21 का एड्रेस निकालना है। तो यहां पे सबसे पहले देखो, ये जो 2 है, ये जो यहां पे 2 है, ये एक्चुअल में पता क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपको कितनी रोज को क्रॉस करना है। आप अगर रो को लेट्स सपोज स्ट्रीट मान लो, ये मेरी गली है, ये मेरी 3 गली है, गली नंबर 1 2 एंड 3, लेकिन हम लोग नंबरिंग जो है वो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो आपको 2 गली को क्रॉस करना है, हर एक गली में 4 घर हैं, तो 4 घरों को क्रॉस करना है हर एक गली के, और फिर आप उस गली में पहुंच जाओगे जहां पे आपको एड्रेस जो पर्टिकुलर बंदा मिलेगा, और फिर आपको एक घर और क्रॉस करना है तो आप उस जगह पे पहुंच जाओगे जिसका एड्रेस आपको फाइंड आउट करना है। तो बस आपको ये अगर पूछ ले कि यार ए ऑफ 21 का एड्रेस फाइंड आउट करो, तो ये जो 2 है ये क्या बता रहा है, ये एक्चुअल में रो नंबर बता रहा है। आप इसको ऐसे यूज करो कि आपको 2 गली को क्रॉस करना है, 2 रोज को क्रॉस करना है, तो यानी आप कह सकते हो कि 2 रोज को आपको क्रॉस करना है। तो ये आई की वैल्यू, लेट्स सपोज ये जे की वैल्यू है, तो आई की वैल्यू आपकी 2, मतलब नंबर ऑफ रोज आपकी 2 क्रॉस करनी है, कर गए। अब हरेक रो में कितने एलिमेंट्स हैं, हर एक रो में कितने घर हैं, हर एक स्ट्रीट में कितने घर हैं, वो कैसे पता लगेगा, हर एक स्ट्रीट में कितने घर हैं, कॉलम बताएंगे। तो आपको अगर लेट्स सपोज m x n की मैट्रिक्स दे दे, 3x4 की मैट्रिक्स, या 100x100 200 कुछ भी दे दे, तो आपकी जो ये कॉलम वाली वैल्यू है ये बताती है कि नंबर ऑफ घर कितने हैं हर एक स्ट्रीट में, तो आप जो है वो इससे मल्टीप्लाई कर दो,
तो यानी 4 × 2 क्या हो गया 8। तो आप एक तरह से कह सकते हो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 एलिमेंट को क्रॉस करने के बाद आप उस गली में पहुंच गए जहां पे आपको डिजायर्ड बंदा मिलेगा। अब आपने रोज क्रॉस कर ली सारी, अब आप उस रो में पहुंच गए, उस गली में पहुंच गए, अब आपको घर कितने क्रॉस करने हैं, अब आपको ये जो जे वैल्यू है वो बताएगी। कुछ नहीं करना, जे वैल्यू आपको बता देगी एक, मतलब आपको एक घर को क्रॉस करना है, तो आप एक घर को क्रॉस कर जाओ। जब आप क्रॉस कर गए तो आप उस जगह पे पहुंच गए जहां पे आपको जो है वो डिजायर्ड बंदा मिलेगा। तो बस लो जी, हो गया सॉल्व। अब आपको बोल दें कि अगर लेट्स सपोज हर एक एलिमेंट का साइज, जैसे बाय डिफॉल्ट एक बाइट है, तो बस जो भी आपको साइज दिया हुआ है हर एक एलिमेंट कितने बाइट का है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको बोल दे कि हर एक एलिमेंट 2 बाइट ले रहा है तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हर एक एलिमेंट अगर 4 बाइट ले रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बस खत्म बात। और ये आपके पास एक फाइनल फॉर्मूला आ गया। और यहां पे लास्ट में एड क्या कर देना, बेस एड्रेस ऑफ एरे। जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा एड्रेस जो है वो 0 से स्टार्ट हो, कई बार जैसे आपको बोलते हैं 100 से स्टार्ट हो। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लो, अब आपका जो ये हमने स्टोर किया ये लोकेशन नंबर 100 से स्टार्ट हुआ, तो बेस एड्रेस मेरा कितना है यहाँ पे 100, ठीक है। अब यहाँ पे 2 × 4 = 8 + 1 = 9 इनटू साइज, हर एक एलिमेंट 1 बाइट ले रहा है तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 100 आपका आ गया, ये टोटल कितना आ गया 109। तो जाओ जी 109 लोकेशन पे, लो जी 109 के अंदर जाओ, क्या मिल गया, मिल गया ना 21, यही तो ढूंढ रहे थे, बस ये फंड है। छोटे में तो बड़ा इजी लगेगा आपको, लेकिन अगर आपको 100 × 100 की मैट्रिक्स दे दे, 200 × 200 की मैट्रिक्स बोल दे, तो वहां पे आप फंस जाओगे। तो इसीलिए फॉर्मूला हमेशा याद रखना, अगर आपको कोई भी ए ऑफ आई जे की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो आपको जो आई है ना वही बताएगा कि कितनी रोज को क्रॉस करना है। फिर उसके बाद हर एक रो में कितने घर है, हर एक स्ट्रीट में कितने घर है वो बताएगा कॉलम की वैल्यू। तो आपको अगर लेट्स सपोज m × n की मैट्रिक्स दे दे तो n जो है वो कॉलम के बारे में बताता है। तो आप यहां पे एक तरह से n के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला बन गया। प्लस आप उस गली में पहुंच गए जहां पे आपको बंदा मिलेगा, अब कितने घर क्रॉस करने हैं वो आपको जे की वैल्यू बता देगी। तो प्लस क्या कर दो, जे कर दो। लो जी ये आपका फंडा हो गया, इनटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट प्लस बेस एड्रेस, खत्म खलास हो गया जी। इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं, ये आपका रो मेजर अगर आपसे कभी भी पूछे तो आप इजीली जो है वो आंसर दे सकते हो। अब लास्ट में एक और छोटा सा पॉइंट, कई बार बाय डिफॉल्ट हम लोग इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही स्टार्ट करते हैं, कई बार जो है वो इंडेक्सिंग आपको अलग से बोल दे कि आपकी इंडेक्सिंग जो है वो 1 से स्टार्ट है। अगर आपकी इंडेक्सिंग अगर आपको बोल दे कि 1 से स्टार्ट है तो कोई बात नहीं है, फिर उस केस में आपका ये वाला एलिमेंट एक तरह से क्या हो जाएगा, 3, 2 हो जाएगा। फिर आप 3 मतलब आपको 3 रोज को क्रॉस नहीं करना, 3 वैल्यू आपको बताएगी कि एक कम कर लो, मतलब आपने नंबरिंग एक बढ़ा दी ना, तो बस आई की जगह आप आई माइनस 1 कर दो और जे की जगह आप जे माइनस 1 कर दो, बाकी का फॉर्मूला एज इट इज है, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द एड्रेस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट इन 2-डायमेंशनल एरे इफ यू स्टोर द डेटा इन द रो मेजर ऑर्डर। नेक्स्ट वीडियो में कॉलम मेजर करवाऊंगा। थैंक यू।